Hello and welcome to Absolute India News. Today I am Akriti Bagla, and today on Absolute India News, I have with me the very handsome music composer, director, and singer Amal Malik. Amal, hi. Hi, how are you? I am good. good, how have you been? And first of all, congratulations for the glorious eight years. Thank you, thank you so much. Thank you, it really means a <laughs> Amal, you have like

छोटे बच्चों को मेरा म्यूजिक बहुत पसंद आता है वहां से उनके पेरेंट्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स सब जनरेश में मेरे गाने ब्रेक थ्रू होते हैं सब एज ग्रुप में सबके अलग अलग फेवरेट्स है किसी को आ,

तो वहां से मैं हमेशा इंस्पायर रहता हूँ बचपन से ही आई इज वन ऑफ biggest बिगेस्ट एंड मम्मी भी अरमान और मुझे दोनों को बहुत पुश करते हैं शी गिव अप एंड यानी वो बोलते हैं अभी तो बहुत लंबी जर्नी है और मेहनत करो ये करो तो ऐसे लोग होने बहुत जरूरी है लाइफ में सो माई मदर्स सपोर्ट एंड माई फादर्स जर्नी बहुत इंस्पायर मी तो मैं उनके लिए आ, म्यूजिक करते रहता हूँ एंड ऑब्वियसली जब आपको इतने लोगों का प्यार है एंड इतने छोटे छोटे बच्चे अपने एग्जाम्स के टाइम पे भी आके आपके आ, नाम को आपके गाने को ट्रेंड करते हैं या सुनते हैं सपोर्ट करते हैं स्ट्रीम करते रहते हैं तो पता चलता है कि कितना लोग आपको और आपके म्यूजिक को वैल्यू करते हैं तो उनके लिए मैं उन्हीं के लिए मैं म्यूजिक वीडियोज भी करता हूँ You know, अभी मैं recently दो तीन videos में आने लगा हूँ। तो ये चीजें भी मैं अपने fans के लिए करता हूँ। साउथ से my family and my family or fans इनलों के लिए ही मैं music करता हूँ। And अमाल, uh, your songs have become like chartbuster overnight. So before release of any new song or your album, like even when you faced camera, did you like felt any kind of pressure, like performance pressure?

इट्स लाइक मेकिंग अ ग्रेट मील फॉर पीपल टू लिसन फॉर एवर यू नो तो आई थिंक म्यूजिक जो जो भी करते इस, uh, में म्यूजिशंस और आर्टिस्ट एंड पेंटर्स इन लोग सब का औहदा बहुत ही ऊंचा uh, है क्योंकि इन लोग आउट ऑफ थेन एयर कुछ क्रिएट कर सकते हैं यू you नो know, जो मैं कह सकता हूँ शायद सिंगिंग सीखी जा सकती है कभी कभी आप किताबों से राइटिंग सीख सकते हो बट टू मेक अ मेलेडी फ्राम नथिंग कभी कभी लोग बिना इंस्ट्रूमेंट के हवा में एक धुन बना लेते तो इसको गॉड गिफ्ट ही कहते मैं चुना गया हूँ कि दुनिया में मेरे द्वारा अच्छा म्यूजिक पहुंचे तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आई एम द चोजन गुड वर्क मे बी डू गॉड्स वर्क एंड मेक गुड म्यूजिक रीच टू पीपल

ब्लेस्ड विथ टैलेंट बट आई वर्क हार्ड बट कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैं मेरे कोई ऐसे म्यूजिक वीडियोज नहीं है जो वन बिलियन चले गए मेरे फेस पे जो है सो so, एक आर्टिस्ट को वो डिटर नहीं करना चाहिए यानी मैं हार नहीं मानता फिर भी कि मेरे से बहुत ज्यादा फॉलोअर्ड आर्टिस्ट है जिनका इंस्टाग्राम या ट्विटर पे चालीस चालीस पचास पचास मिलियन फॉलोअर्स होंगे बट क्या वो अमल मलिक है क्या वो मेरे जैसा म्यूजिक बना सकते हैं क्या मेरे जैसे सच बोल सकते हैं जैसे मैं बोलता हूँ आज हर एक टॉपिक पे तो जब सबकी हर एक ह्यूमन बीइंग की एक स्पेशलिटी है एंड मैं नहीं चाहता कि यू you नो know, मैं ऐसा मैं मानता हो रहा है यू you नो know, लोग लाइक्स नंबर्स व्यूज कितने रील्स हुए इसके ऊपर ही गेज करते हैं कि गाना सक्सेसफुल है कि नहीं एंड इन चीजों की वजह से नए नए बच्चे जो म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं या सोचते हैं कि हम भी एक म्यूजिक वीडियो डाले या कवर डाले थोड़े डर जाते हैं कि हमें लाइक्स नहीं आएंगे या व्यूज नहीं आएंगे बट मैं उन सब को यही कहता हूँ फॉर यू एंड आई एम देर की अच्छा म्यूजिक मेरे फैंस बहुत सुनते है यानी मेरी फैंडम एक है जो ओरिजिनल एंड गुड म्यूजिक को सुनती है सपोर्ट करती है चाहे मैंने बनाया हो या ना हो तो वी आर देयर फॉर यू एंड मेरा खुद का भी एक लेबल है एमडब्ल्यू एम जो यंगर टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए खड़ा है से कि हम कर देंगे, हो हो जाएगा, वो हो जाएगा। गडा वाला म्यूजिक नहीं है इंटरेस्ट मेरा तो जिन आर्टिस्ट को अच्छा म्यूजिक करना है दिल से म्यूजिक करना है उनके लिए मैं मेरे पापा हमने एक प्लेटफॉर्म रखा है लाइक एम एम एंड वी आर ओपन टू गिविंग न्यू पीपल चांसेस सो ऐसा सब से नहीं हो पाता सब करना नहीं चाहते शायद या सबके पास टाइम नहीं है या जो भी उनके रीजन है मैं यंगर आर्टिस्ट के लिए खड़ा हूँ मैं उन सीनियर आर्टिस्ट के लिए भी खड़ा हूं जैसे अलका जी है या श्रेया घोषाल है सुनी चौहान और जिनको शायद मार्केट के हिसाब से म्यूजिक नहीं करना कि ये चल रहा चलो यही करते हैं दे टू डू प्योर म्यूजिक दे वॉन्ट टू डू देयर स्टाइल सो जो वैसा म्यूजिक <laughs> करना चाहते हैं उनके लिए ये लेबल और ये आर्टिस्ट खड़ा है और मेरे फैमिली में हम लोग सब लोग अरमान मैं पापा वी हैव बिन प्योर म्यूजिशियंस वी जस्ट मेक गुड म्यूजिक हम लोग कोई ट्रेंड फॉलो करके नहीं करते कि अच्छा ये चल रहा है ऐसा कुछ बना लेते हैं तो वैसा म्यूजिक थोड़ा टाइम लगता है ऊपर आने थोड़े धीरे धीरे से उन चीजों को अपनी वैल्यू अपने नंबर्स मिलते बट आप जितने भी यंगस्टर्स देखेंगे मुझे या इस वीडियो के थ्रू नो वन थिंग दैट एक दिन में नहीं होता कुछ आपको साल दर साल मेहनत करनी है गिवअप नहीं करना है मेरा यानी लोग कहते हैं कि गाना सौ मिलियन पार हो गया तो सफल गाना है आठ साल होने आए हैं सूरज रूबे को और पिछले साल वो हंड्रेड मिलियन क्रॉस कर गया तो और रोके ना रोके नैना ना करके मेरा एक गाना है जो जिसकी स्टेज पे जब मैं गाता हूँ तो मेरे साथ पांच हजार लोग एक, एक शब्द गाते हैं बट उसकी भी कोई व्यूज ऐसे कोई वन बिलियन नहीं हो गए इतने बड़े स्टार्स आलिया और वरुण होने के बाद तो ये चीजें थोड़ी कम मायने रखनी चाहिए यू you नो know, आर्टिस्ट को भी लिसनर्स को भी यानी ऑडियंस भी थोड़ी यू नो कंफ्यूज है कि क्या म्यूजिक सुन रहे हैं क्या सुने ना सुने यानी ऑडियंस की तरफ से अभी एक यू नो आई वुड से एक रिक्वेस्ट आने लगी है दिखता है ट्वीट्स में एंड मैसेजेस में कि दे आर आल्सो सेकंड टायर्ड ऑफ द सेम ओल्ड रीमिक्स uh, you know, करना या वैसा ही टाइप का बीट या वो ही वैसी एंड सब चीजें तो ऑडियंस भी चिढ़ती है ऑडियंस को भी टाइम से टाइम तक अच्छा मेलेडी अच्छे थॉट्स अच्छी म्यूजिक की जरूरत है एंड दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि इंस्टाग्राम और इन सब प्लेटफॉर्म्स की वजह से आप देखो चांद बालिया जैसा एक गाना है नया जो हर जगह अभी एक नए आर्टिस्ट का अब वो पता नहीं किसी लेबल से है नहीं है फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को अच्छा म्यूजिक है इसलिए वो अपने वीडियोस बना रहे उस ऑडियो को लेके सो डोंट फील मैं यही कहना चाहता कि डरो मत एटलीस्ट वीडियो डालो शायद आपको ही नहीं पता कि आप कौन से अगले वायरल सुपर गाने पे बैठे और आपने रिलीज ही नहीं किया वो एंड डोंट वरी अबाउट फॉलोइंग मेरी भी फॉलोइंग मैंने जिंदगी में मेरे अभी सौ गाने आने वाले पर मेरे सिर्फ दो मिलियन फॉलोअर्स है पर उसका ये मतलब थोड़ी कि मैं सोचूंगा कि मैं किसी आर्टिस्ट से कम हूं मैं बहुत दूसरे आर्टिस्ट से बेटर भी हूं मेरे mm -hmm. क्योंकि मेरा जो म्यूजिक है मेरा जो हार्ट है और मेरा जो सोल है वह वो किसी के पचास मिलियन सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स खरीद थोड़ी सकते अगर 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 नंबर्स से अच्छा काम हो रहा होता जिंदगी में तो जिनके पास हंड्रेड मिलियन है उनके पास ही बेस्ट गाने होते क्यों नहीं उनके पास इट इज इट इज जस्ट जस्ट बी प्योर

या तो उनको नहीं पता तो yeah. दो चीजें तो आपको अगर नहीं पता तो ठीक है मैं आपको बता देता हूँ पर आप जलते हो तो जलते ही रहिए नो प्रम वो तो आप, वो आपका बर्थ राइट right है मैं बेटर करते ही जाऊँगा मेरा भाई बेटर करते ही जाएंगे But uh, it is not a bed of roses. We have uh, seen a very difficult journey with our father. So has my mom. Um, my mom has uh, been giving match tuitions to run the House. My father has done about 50 films but never been invited to the biggest award functions. He has not seen the success that an Annu Malik has seen. And, uh, दोनों बच्चे अपने मेहनत से ही आए कभी मेरे डैड ने फोन उठा के नहीं बोला किसी कंपोजर क्योंकि अरमान को गवा दो यू नो सलमान खान सर के वैन के बाहर खड़े रह के घंटों तक अरमान ने एक म्यूजिक सीडी हाथ में पकड़ के अपने मम, मम्मी के साथ सेट पे आया रुका आ, बारिश हो रही है वो एक फिफ्टीन ईयर ओल्ड लड़का अपने सीडी को लेके रुका हुआ था कि ये इंसान आएंगे तो मैं उनको म्यूजिक सुनाऊंगा अपना तो उसने म्यूजिक सुनाया वहां से सलमान खान सर को हमारा म्यूजिक पसंद आया एंड देन ही फिगर्ड आर तो ऐसा नहीं था कि हम लोगों को कोई फोन कॉल या कोई रिकमेंडेशन लेटर लिख के भेजा गया था कि चलो इनको मौका मिल जाएगा कल हाँ मैं मानता तो हूँ लोग इस फैमिली को जानते हैं सेवेंटी इयर्स की एक हिस्ट्री है वो क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत अच्छा काम किया अंकल ने बहुत बड़े गाने किए हैं डैड ने किए हैं बट सबका अपना खुद लिखा हुआ भाग्य है एंड सबकी अपनी मेहनत है यानी मैं इस इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि आसानी से हमें मिल गया तो फिर अंकित तिवारी जैसे आर्टिस्ट जिन्होंने सुन रहा है ना तो गलिया बना उनको कैसे मिला टैलेंट पे ही मिला ना अच्छे गाने पे ही मिला वो कोई ताल्लुकात नहीं रखते इंडस्ट्री से कानपुर से आए हुए एक यंग लड़के हैं खुद अपनी जगह बनाई सो ये इंडस्ट्री उनको सलाम करती है जो गिव अप नहीं करते हमने गिव अप नहीं किया सिंपल हम लोग को मौके ऐसे कोई प्लेट पे बड़े बड़े सुपरस्टार इस घर पे आके हमें हर दिन गाने नहीं देते हम अच्छे गाने बनाते जो ये एक्टर्स या या प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स सुनते उनको पसंद आता है तो वो गाने लेते नहीं पसंद आता तो आज भी मेरे को रिजेक्ट करते हैं लोग कि नहीं मजा नहीं आया ये बोलते हैं पर वो आपको अपने स्ट्राइड में लेना और समझना कि हाँ ठीक है शायद इनके टाइप का नहीं है मैं नया बनाता हूँ सो so, मुझे लगता है कि पहले आप आओ तो कोशिश करो तो फिर आप किसी की भी जर्नी को मेरी छोड़ो किसी की भी ऐसा मुझे भी मैं भी ये मुझे भी लगता था स्टार्टिंग में अरे यार इन लोग सबको तो सपोर्ट है यार इन लोग को इसलिए मिल सबको लगता है बाहर से जब तक आप इंडस्ट्री में आते नहीं हो जब आप आओगे तब आपको पते, पता चलेगा कि कितना मुश्किल या कितना आसान है यू अमाल ऑन नोट

मैंने ऐसे कोई यानी ब्रेकअप फेस नहीं किए छोटा था फर्स्ट वो वो एक ही था जब मैं बहुत छोटा था यानी फोर्टीन फिफ्टीन का था मुझे कोई पसंद थी मेरे क्लास में मैं उसे कभी बोल ही नहीं पाया तो वो ब्रेकअप नहीं था बट इजहार नहीं कर पाया वो यंग बॉय तो आई थिंक एक्सपीरियंसेस से एंड यानी बहुत सारे मैं मेरे आसपास जो होता है ना मेरे लाइफ में या दोस्तों के लाइफ में या कुछ फनी भी हो गया तो उसमें से भी गाने बनते हैं तो आदमी इससे दूर रहो <laughs> तो देर इज आई थिंक दैट इन साइड मी यू नो आई एम दैट कांड आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू स्प्रेड लव आई वॉन्ट टू मेक म्यूजिक मैंने देखा कि दो हमालियंस है जो मेरे म्यूजिक के थ्रू मिले और उनकी शादी हुई तो मेरे म्यूजिक में वो पावर है वो लव है जो लोगों को साथ ला सकता है सो वाई नॉट वाई डू आई रोमांटिक गानों से रिलेट करते हैं दे कॉल मी ही इज द मेलेडी मैन तो मैं बहुत खुश हूँ मुझे yeah. अच्छा लगता है कि लोग मुझे मेलेडी से जोड़े रखेंगे मुझे मानते हैं यू नो कि रोमांस अगर किसी का रियल है या उनका म्यूजिक में वो प्यार नहीं भी हो तो प्यार करने की फीलिंग आ जाती है वो अमल के म्यूजिक में तो अच्छी बात है व्हाई नॉट स्प्रेड लव एंड कैन यू जस्ट सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ जान है मेरी फॉर आरली बिल्कुल आई विल ट्राई इस तरह से तुम जैसे कोई हो होना रहते से जाते जाते सुन ले तू जरा लबो पे नाम है तेरा हाँ दिल में याद है तेरी नाम हुआ तो क्या तू फिर भी है मेरी लबों पे नाम है तेरा हद हाँ में याद है तेरा। तेरी री तुम हुआ तो क्या तो फिर भी जाने है मेरी ओह आहा एह आहा तुम मेरा ना हुआ तो क्या तू तो फिर भी जाने है बिल्कुल <laughs> the reason रीजन द बेस्ट पर्सन आई नो बहुत ही तकलीफ है बहुत ही मुश्किल है उन्होंने देखी है husband in spite of good and bad times and दोनों अरमान और मेरी सक्सेस सफलता और हम जैसे सोचते है या जैसे हम हम unaffected है हमारे सक्सेस से लोग बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं आई थिंक मम्मी के होने से

यानी दे आर बेटर देन अस पता नहीं हम क्यों कम्पीट कर रहे भी लड़कियों के साथ हम लोग हारने वाले सो यू शुडंट इवन ट्राई बेसिकली जस्ट रिस्पेक्ट वुमेन रिस्पेक्ट व्हाट दे हैव डन एंड ऑलवेज नो दैट दे विल ऑलवेज बी बेटर देन अस एंड बाकी मेरे फैंस में बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स जो भी मुझे सुन रहे हैं सबको बहुत बहुत थैंक uh, यू आप सब जान है मेरी एंड uh, सब बॉयज को भी ये कहना चाहता हूँ